दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। विश्व क्रिकेट में इन दिनों भले ही हर किसी का ध्यान विराट कोहली पर है और विराट कोहली के इस खतरनाक खेल कारण भारत के ही उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा उनसे बिल्कुल भी कम नहीं रहे हैं। रोहित शर्मा का नाम भी मौजूदा समय में क्रिकेट जगह में खूब चमक रहा है। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन पारियां खेली हैं, उससे उन्होंने क्रिकेट जगत को एक हिटमैन दिया है। ऐसा खिलाड़ी जो वनडे में बड़ी बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत रखता हो। लेकिन आज हम रोहित शर्मा के बारे में जो बताने जा रहे हैं, उस पर आप शायद ही विश्वास करेंगे। रोहित शर्मा की एक ऐसी वास्तविकता जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये वास्तविकता है कि रोहित शर्मा अपने करियर की शुरुआत में एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और उन्होंने तेज गेंदबाज बनने की तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए थे। ये बात तब की है जब वो जूनियर क्रिकेट खेला करते थे। साल 2005 में श्रीलंका की अंडर 19 टीम भारत के दौरे पर आई। इसमें एक मैच के दौरान रोहित शर्मा दाएं हाथ की एक अंगुली तुड़वा बैठे। इस चोट ने रोहित शर्मा का तेज गेंदबाजी के तौर पर करियर बनाने के सपने पर पानी फेर दिया, क्योंकि अंगुली की चोट से वो गेंद को ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में रोहित ने यहीं से एक बल्लेबाज के रूप में अपना फोकस करना शुरू किया और वो दिन जब उन्होंने अंगुली टूटने के बाद बल्लेबाज बनने की ठानी और आज का ये दिन रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हो गए, जिनके नाम सबसे ज्यादा 3 बार वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का कारनामा है।